Let's start with the 7th class topic is integer. In this exercise, 1.3 exercise, we have done 1 to 5 questions. Okay, so today we will discuss next more questions, question number 7th. Okay, so up to 5 we have done. Next question number 6, the 6th question is for you. You will try to solve your by yourself. If you are facing any problem, then we can discuss later. Okay, otherwise you can ask on WhatsApp number. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th. तो क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन. एक क्लास टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं. तो 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. एवरी करेक्ट आंसर पर 5 मार्क्स दिए जाते हैं, राइट. और एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. यानी गलत आंसर पर -2 मार्क्स दिए जाते हैं. करेक्ट पे कितने? 5 पे. इनकरेक्ट पे -2. ओके. एंड 0-4 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जा रहा उस पे 0 मार्क्स दिया जा रहा है, राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर. अब उसका स्कोर कितना है, किसका? मोहन का. तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि करेक्ट पे कितना दिया जा रहा है और इनकरेक्ट पे कितना दिया जा रहा है. तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि एवरी करेक्ट क्वेश्चन गिव मार्क्स हाउ मेनी? 5. हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 5 मार्क्स पे 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं. और एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन गिव मार्क्स -2, राइट. एंड नॉट अटेम्प्ट टू गिव 0 मार्क्स, राइट. अब मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर. मोहन गेट 4 करेक्ट. तो 4 करेक्ट इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई विद करेक्ट के कितने मार्क्स दिए जा रहे? 5. तो 4 5 जा 20 मार्क्स, राइट. एंड 6 इनकरेक्ट. कितने इनकरेक्ट है? 6. तो कितना हो जाएगा? 6 × 2. इनकरेक्ट का कितना है यहां से? -2 मार्क्स. तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 से -2 जा -12 मार्क्स, राइट. अब इसमें क्या पूछा कि व्हाट इज हिज स्कोर. अब उसका स्कोर कितना है? तो मोहन गॉट स्कोर हाउ मच. अब इनको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. 20 + -12. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो 12 + −−12. तो 20 − 12 इज इक्वल टू 8 मार्क्स. मोहन के कितने मार्क्स आते हैं? 8 मार्क्स आते हैं, राइट. अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट क्या पूछा जा रहा है यहाँ की? रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर. तो रेशमा कितने करेक्ट है? 5 करेक्ट. तो 5 करेक्ट 5 × करेक्ट के कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स. मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 मार्क्स. ओके. एंड 5 इनकरेक्ट. तो 5 × इनकरेक्ट के कितने? -2. तो 5 − 2 जो -10 मार्क्स, राइट. तो हर स्कोर. अब रेशमा का स्कोर कितना रहता है? दोनों को ऐड कर देते हैं. 25 + −10. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज कीप इन साइड ऑफ द ब्रैकेट. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट 25 + −−10. तो 25 − 10 इज इक्वल टू 15 मार्क्स. तो रेशमा के कितना क्या स्कोर रहता है? 15 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट सी. हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट. तो हीना गेट 2 करेक्ट.
टू करेक्ट मीन्स टू इंटू मल्टीप्लाई विद फाइव, क्योंकि करेक्ट के कितने मार्क्स, फाइव मार्क्स है, फाइव टू जो 10 मार्क्स राइट, एंड हाउ मेनी इनकरेक्ट, फाइव इनकरेक्ट, तो फाइव इंटू मल्टीप्लाई विद माइनस टू, तो फाइव माइनस टू जो माइनस 10 मार्क्स। अब व्हाट इज हर स्कोर, तो हर स्कोर किसका स्कोर, हिना का, क्या करते दोनों का ऐड कर देते 10 प्लस माइनस 10, इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो क्या आएगा यहां से 10 प्लस इनटू माइनस इज माइनस 10, तो 10 माइनस 10 इज जीरो, जीरो मार्क्स, इट मीन्स हिना हाउ मेनी मार्क्स गोट, जीरो मार्क्स, रेशमा हाउ मेनी मार्क्स गोट, 15 मार्क्स, एंड मोहन हाउ मेनी मार्क्स गोट इज 8 मार्क्स, ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन दिस सोल्यूशन, ओके, I hope you are understood this question, okay, and the solution of this question, right? Next question number 8. A cement company earned a profit of rupees 8 per bag of white cement. A company earn karti hai profit ek white cement bag per 8 rupees, okay? एंड ए लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और ग्रे सीमेंट बेचने पर उसको लॉस होता है 5 रुपीज का, राइट, यानी कि व्हाइट सीमेंट बेच रहा है तो 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ग्रे सीमेंट अगर वो सेल करता है तो उसको 5 रुपीज का लॉस होता है, राइट, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग्स क्या करते हैं वो सेल करती है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स सेल करती है इन ए मंथ, तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस लेट कर लेते कि वी रिप्रेजेंट प्रॉफिट इन पॉजिटिव इंटीजर, हम प्रॉफिट को हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट, एंड लॉस को नेगेटिव इंटीजर से लेट कर लेते हैं, राइट, अगर पॉजिटिव में आएगा इसका मतलब प्रॉफिट आ रहा है, अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है इसका मतलब लॉस होगा, राइट, अब यहाँ पे सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑन ए सेलिंग वन बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, यानी कि एक व्हाइट सीमेंट का बैग सेल करने पर उसको 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो यहां से कितना सेल किया उसने 3000, तो 3000 बैग्स को सेल करने में उसको टोटल कितना खर्च, कितना सेलिंग हुई यहाँ पे, तो 3000 को क्या करते हैं 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि अब 3000 इंटू 8 इसमें 24000, यानी कि 3000 बैग को सेल करने में उसको 24000 रुपीज का क्या होता है प्रॉफिट होता है, अब वो साथ में क्या कर रहा है 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट भी सेल कर रहा है, तो लॉस ऑन सेलिंग वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज माइनस 5 रुपीज पर बैग, ओके, माइनस 5 रुपीज पर बैग क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, राइट, तो 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के बैग्स को सेल करने में कितने रुपीज का लॉस होगा, तो माइनस 5 इंटू 5000 इज इक्वल टू माइनस 25000 रुपीज, 5500 एंड 000 राइट एज इट इज, ओके, तो माइनस 25000 रुपीज, यानी कि व्हाइट सीमेंट को बेचने पर 24000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स को सेल करने पर माइनस 25000 का क्या हुआ लॉस हुआ, राइट, तो माइनस एंड रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर, ओके, अब टोटल लॉस और प्रॉफिट अर्न बाय ए सीमेंट कंपनी, अब उसको कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं कि यहां से व्हाइट सीमेंट के लिए और यहां से प्लस ग्रे सीमेंट, तो व्हाइट सीमेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, तो फ्रॉम व्हाइट सीमेंट टू गेट 24000 प्रॉफिट, बट फ्रॉम ग्रे सीमेंट टू गेट 25000 लॉस, ओके, तो हम दोनों इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो आफ्टर एडिंग इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो प्लस इनटू माइनस इज माइनस, तो 24000 माइनस 25000, तो 24000 सबट्रैक्ट फ्रॉम माइनस 25000, तो व्हाट वी गेट माइनस 1000 रुपीज, अब यहाँ पे माइनस का 1000 आ रहा है, तो माइनस व्हाट इंडिकेट लॉस, राइट, हमने शुरू में बात किया था कि लॉस इन नेगेटिव इंटीजर, तो थस ए लॉस ऑफ रुपीज 1000 विल बी इनकर्ड बाय द कंपनी, यानी कि यहाँ पे 1000 रुपीज से कंपनी को क्या होता है लॉस होता है, राइट, तो दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके, नेक्स्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसको वापस से देख सकते हैं, ठीक है,
next part of the same question कि what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit or loss if the number of grey bags sold is 6400 bags right. अब यहाँ पे what is the number of white cement, यहाँ पे white cement के bag कितने लिए जाए कि it must sell to have neither profit nor loss, यहाँ पे जिससे कि यहाँ पे profit भी ना हो और loss भी ना हो. If the number of grey bag, अगर यहाँ पे grey bags कितना बेचते हैं 6400 bags, तो white cement के bags को कितना बेचा जाए कि यहाँ पे ना तो profit हो ना ही loss हो. तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट पूछा है तो हमने उसी को ही हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स. यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स कितने एक्स लेट कर लिए. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंपनी मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए. तो इनकेस हम प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू जीरो. ओके, अगर प्रॉफिट और लॉस को दोनों को ऐड कर दे तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस. ओके, अब प्रॉफिट को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट यहाँ पर कितने नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट इनटू मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट ऑफ सोल्ड वन बैग, राइट, यानी एक बैग को सोल्ड करने में कितने रुपीज का प्रॉफिट होता है, 8 रुपीज का. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए नंबर ऑफ बैग्स विद एक्स रुपीज. ओके, अब लॉस में तो 6400 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैग्स ग्रे बैग्स गिवन है. ओके, 6400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, राइट, मल्टीप्लाई विद -5. वाई, बिकॉज एक बैग, एक ग्रे बैग को सोल्ड करने में -5 रुपीज का क्या होता है, लॉस होता है, राइट. अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू 8 इज 8x. इफ यू ओपन दिस प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 6400 5 जर 32000, राइट, इज इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज बिकम एन इक्वेशन, हाउ टू फाइंड अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू इज x. तो वी विल ट्रांसपोज दिस 32000 फ्रॉम LHS टू RHS, देन साइन विल बी चेंज आफ्टर ट्रांसपोज. तो 8x इज इक्वल टू 32000. नाउ दिस इज 8, 8 इज द कोफिशियंट ऑफ x, दो हाउ टू सेपरेट दिस x, तो डिवाइड ट्रांसपोज दिस 8, तो मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड आफ्टर ट्रांसपोज. तो मल्टीप्लाई ये कोफिशियंट का चला जाएगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, RHS के डिवाइड में. तो x इज इक्वल टू 32000 अपॉन 8, आफ्टर डिवाइड वी गेट 4000. तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि x क्या यहाँ पे व्हाइट सीमेंट बैग है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 4000. तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स हाउ मेनी, 4000. तो हैंस द 4000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि हम यहाँ पे अगर 4000 व्हाइट सीमेंट लेते हैं, ये बैग्स लेते हैं, तो और 6400 बैग्स किसके लेते हैं, ग्रे सीमेंट के. अगर इन दोनों को हम एक साथ सेल करते हैं तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है. ओके, सो आई होप यू आर ऑल्सो अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वन टाइम टू टाइम यू विल ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स लाइक फिल करना है इसको. तो -3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी, 27 आ जाए. तो 27 इज द पॉजिटिव नंबर, तो इट मीन्स हियर इज माइनस. तो यहाँ पे भी हमें कोई माइनस वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बिकम प्लस. ओके, इन टेबल ऑफ 3, 27 हाउ मेनी टाइम्स कम, 9 टाइम. तो 3 9 27, तो यहाँ पे कितना आएगा, -9. ओके, माइनस इंटू माइनस इज बिकम प्लस, 3 9 27. अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि 27 में दिस इज अ मल्टीप्लीके आफ्टर ट्रांसपोज बिकम डिवाइड, तो इसमें डिवाइड में चला जाएगा -3, तो -3 आ जाएगा यहां से. तो हम इसको कट करेंगे, 3 1 3 3 9 27, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 अपॉन -1. 9 में -1 का डिवाइड करेंगे तो -9, तो -9 हियर कम. ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी कैन गेट टू आंसर. अब सेम एज इट इज -12 हियर, तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. नेगेटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिसका प्रोडक्ट 132 आ जाए. तो सेम प्रोसेस अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो. तो 132 डिवाइड बाय -12, नाउ कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 12 1 12 12 1 12, 1 इज रिमेन, इट बिकम 12, तो 12 1 12. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, 11 अपॉन -1, 11 अपॉन -1 इज -11, राइट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11. ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे माइनस
तो आंसर में भी माइनस है, तो यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो 8 को आप किस इन द टेबल ऑफ 8 हाउ मेनी टाइम्स कम, 56, 87 जो 56 राइट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉजिटिव 7। अदरवाइज सेम प्रोसेस यू कैन डू, माइनस 56 डिवाइड बाय माइनस 8, माइनस टू माइनस कट, वाट रिमेन, नाउ कट इट, 81 जो 8, 87 जो 56, तो कितना आया 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7 राइट। नेक्स्ट इज 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, माइनस 35, माइनस 35 आ जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 7, तो 5 इंटू 7, 5 7 जो 35 और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 35, तो दिस काइंड ऑफ वी हैव टू डन दिस सॉल्यूशन ऑल्सो। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज, तो 2-3 टाइम्स यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ द सेम क्वेश्चंस। ओके ओके, थैंक यू।